जितने भी बच्चे ये बोलते रहते हैं कि सर हमको फायदा कहाँ पे मिलेगा ओबीसी का, उनको मैंने आज बता दिया ईडब्ल्यूएस का फायदा, ओबीसी का फायदा, होम स्टेट, अदर स्टेट। उम्मीद करता हूँ कि एनआईटी को लेकर के, एनआईटी के कट ऑफ को लेकर के, जोसा काउंसलिंग में जो आपको एनआईटीज मिलते हैं इनको लेकर के आपकी सारे डाउट खत्म हो चुके होंगे। एनआईटीज को लेकर के बच्चों में बड़ा कन्फ्यूजन है। जब जोसा की काउंसलिंग आपकी 16 सितंबर से स्टार्ट होनी है, लेकिन उससे पहले आपकी स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी काउंसलिंग होती हैं, वो जैक दिल्ली हुआ या फिर वो आपका जैक चंडीगढ़ हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इवन जो आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है जैसे ट्रिपल एम गोरखपुर अपना अलग करवाता है, एचबीटीयू कानपुर अपना अलग करवाता है, ऐसे ही आपके बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज जो अपनी सेपरेट काउंसलिंग करवाते हैं, काउंसलिंग की डेट कभी कभी एक दूसरे के साथ क्लैश भी करती है। तो ऐसे में बच्चा बड़ा कन्फ्यूज हो जाता है कि मैं स्टेट काउंसलिंग को प्रायोरिटी दूँ या फिर मैं जोसा काउंसलिंग का वेट करूँ। हालांकि लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि किन किन बच्चों को जोसा काउंसलिंग का वेट करना चाहिए और किन बच्चों को जोसा काउंसलिंग का वेट नहीं करना है, वो सीधे सीसैप राउंड में पार्टिसिपेट करके अपनी रैंक का फायदा ले सकते हैं और एक अच्छे कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। एनआईटी को लेकर के बच्चों में ये कन्फ्यूजन पहला ये है कि हमको ओबीसी कैटेगरी का क्या फायदा मिलता है। ईडब्ल्यूएस वाले बोलते हैं कि सर मेरी रैंक इतनी आ रही है 40,000। अब 40,000 रैंक का मतलब मैं क्या, जब बच्चा मेरे पास फोन करता है या पेरेंट्स फोन करते हैं तो मुझे बोलते हैं सर मेरी रैंक 40,000 ईडब्ल्यूएस में है और मैंने जब एनआईटी का कट ऑफ चेक किया है, हमने आपकी ईबुक चेक किया है, तो वहाँ पर 40,000 रैंक पे हमको ये एनआईटीज दिखा रहा है। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका परसेंटाइल क्या, तो बोलते 62% है या फिर 52% या फिर 67% है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे ये डाउट होता है कि भाई इतनी कम परसेंटाइल पे आपका 40,000 रैंक कैसे जा सकता है। तो पहले डाउट ये क्लियर कर लीजिए कि जितने भी काउंसलिंग्स आपकी हो रही हैं, जोसा का कट ऑफ अगर हटा दिया जाए, जोसा में जनरल कैटेगरी को के अलावा जितनी भी रैंक मेंशन होती हैं राउंड 1 से लेकर के राउंड 6 तक, वो सब आपकी कौन सी रैंक होती हैं, वो सब आपकी कैटेगरी रैंक होती हैं। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो देख रहे हैं डा मेंटा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग लाइव सेशन करने वाले हैं। 5 घंटे का लाइव सेशन होगा और 5 घंटे के लाइव सेशन में जो बच्चे ये बोलते हैं कि मेंटा के लोग रिप्लाई नहीं करते हैं और वहाँ से हमें फोन कॉल्स हमारे रिसीव नहीं हो रहे हैं, तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि ओवरऑल जितनी भी काउंसलिंग होती हैं 5 घंटे में पूरी काउंसलिंग का प्रोसेस, पूरा जोसा काउंसलिंग, सीसैप काउंसलिंग, उसके अलावा ऑल स्टेट काउंसलिंग, नेशनलाइज काउंसलिंग में आपका जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली के ऑल कॉलेज के कट ऑफ पिछले प्रीवियस ईयर के, और उनका जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस रहता है, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का जो आपका प्रोसेस रहता है, या फिर आपको जब सीट मिल जाती है तो कैसे स्लाइड करते हैं, कैसे फ्लोट करते हैं, कैसे सीट को फ्रीज करते हैं, अलॉटमेंट जब आपको मिल जाता है तो आपको ये कैसे पता लगाना है कि जो अलॉटमेंट आपको मिला हुआ है इससे बेटर ऑप्शन भी आप डिजर्व करते हैं कि फिर ये ऑप्शन आपके लिए बहुत सुटेबल है। ये सारी चीज़ों के डाउट्स हम क्लियर करेंगे, बहुत जल्दी डेट में डिक्लेयर कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट पर और समाधान ईबुक भी उसी दिन पब्लिश कर देंगे जिस दिन हमारा लाइव सेशन होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसमें जुड़ें, जितने भी बच्चे हैं 5 घंटे का लाइव सेशन होगा, 5 घंटे में कोशिश करूंगा मैं कि बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं और पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी जुड़ें और अपने जितने भी आपके डाउट्स और क्वेरीज हैं उसमें आप अपनी पुट अप कर सकते हैं, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं उसमें आप में। अब यहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे किसी बच्चे की रैंक मान लीजिए है 40,000, वो मेरे को बोल रहा है 40,000 सर मेरी ये रैंक है, और जब मैं उससे पूछता हूँ कि आपकी परसेंटाइल क्या, वो बोलता है 67 या बोलता है 62, तो इस परसेंटाइल पर रैंक 2-3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के आसपास होना चाहिए। लेकिन जब मैं उससे पूछता हूँ परसेंटाइल बताता है जब मुझे, तो मुझे डाउट होता है कि भाई ये रैंक आपकी सीआरएल नहीं हो सकती। तो मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ कि आप अपना सीआरएल रैंक मुझे बताया करो, क्योंकि हमने जो रैंक प्रोडक्शन बनाया हुआ है, जो कॉलेज की हमने लिस्ट बनाई हुई है, अभी हम लोग चॉइस फिलिंग के लिए अलग से, जब आपकी चॉइस फिलिंग होगी तो चॉइस फिलिंग के लिए अलग से हम लिस्ट तैयार कर देंगे, वो सारे बच्चों को हम दे देंगे और चॉइस फिलिंग पर लाइव सेशन भी हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे जो सीआरएल रैंक आपका कॉलम होता है, इस सीआरएल रैंक में जो आपकी रैंक लिखी होती है ये आपका मेंशन होती है जोसा, अपार्ट फ्रॉम जोसा जितनी भी काउंसलिंग आपकी हो रही है जोसा के अलावा, जोसा में जनरल कैटेगरी का जो जनरल वाली जो रैंक होती है ये आपकी ऑल इंडिया रैंक होती है और बाकी सब आपकी जो रैंक होती है वो आपकी जो आपकी कैटेगरी रैंक होती है। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों को हो जाता है, जैसे किसी बच्चे की 40 लाख रैंक है, वो मुझे बोलता है कि सर मैं ईडब्ल्यूएस में हूँ और आपके मैंने कट ऑफ देखे हैं और कई सारे मैंने एनआईटीज कट ऑफ चेक किए हैं, तो मुझे एनआईटीज में केमिकल मिल रहा है, मुझे दुर्गापुर मिल रहा है, मुझे जमशेदपुर मिल रहा है, मुझे रायपुर मिल रहा है, मुझे मणिपुर मिल रहा है, मुझे जलंधर मिल रहा है। अब मैं उनको ये बात बता दूँ कि ये जो आपका रैंक है ईडब्ल्यूएस, अब बच्चे ने देख लिया कि भाई डब्ल्यू एस में मुझको जो है 25,000 रैंक पे यहाँ पे क्या मिल रहा है, मुझको ये तिरछी मिल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे हम इसको ही ले लेते हैं, जैसे ओबीसी का ले लेते हैं, अब ओबीसी में यहाँ पे लिखा हुआ है 55,839 पे क्या मिल रहा है, मटेरियल साइंस मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग आपको यहाँ पे मिल रहा है, मटेरियल साइंस मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग आपको मिल रहा है यहाँ पे एनआईटी तिरछी में। अब बच्चा अगर ये सोचे कि मेरी, अब ओबीसी वाले बच्चे की रैंक मान लीजिए है ये 55,000 वाले, मान लीजिए किसी बच्चे की 50,000 के आसपास रैंक आ रही है या 60,000 के आसपास रैंक आ रही है किसी बच्चे की, और इसकी ऑल इंडिया रैंक जो है वो मान लीजिए 3 लाख है, तो ये बच्चा क्या करता है सीआरएल रैंक पे फोकस ही नहीं कर रहा है, ये क्या देख रहा है कि भाई 60,000 मेरा रैंक आ रहा है, 55,000 में मुझे एनआईटी तिरछी मिल रहा है, इसको देख के खुश हो जाएगा ये। ऐसे यहाँ पे कोई बच्चा है तो ये 25,000 रैंक को अपना ऑल इंडिया रैंक इसको मान लेता है, ये अपना ऑल इंडिया रैंक। लेकिन किसी बच्चे की ऑल इंडिया रैंक अगर ये आ रही है तो आप मान के, किसी बच्चे की अगर ईडब्ल्यूएस रैंक अगर ये है तो आप मान के चलिए उसके ऑल इंडिया रैंक 1-1.5 लाख के बाहर होगा। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी होता है कि आपको कॉलेज हमेशा जब भी अलॉट होगा या जो भी अलॉटमेंट आपको मिल रहा है वो आपके सीआरएल रैंक में मिलेगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, सीआरएल आपके कॉलम में लिखा होगा, सीआरएल इस पर ही मिलेगा आपको कॉलेज।
अब इसके बाद लोग पूछते हैं क्या सर हमको EWS का फायदा नहीं मिलेगा? फिर इनका अगला क्वेश्चन ये होता है बच्चों का, पेरेंट्स का, कि हमें EWS का फायदा नहीं मिलेगा, क्या OBC का कोई फायदा नहीं मिलता है? 5 लाख रैंक वाला बच्चा, किसी के बच्चे की अगर 5 लाख रैंक आ रही है और 5 लाख रैंक पे उसका जो कैटेगरी रैंक है वो 50,000 आ रहा है या 60,000 आ रहा है या 80,000 आ रहा है, अब वो 50,000 60,000 80,000 वाले जितने कट ऑफ हैं उनको देख करके खुश हो जाता है। खुश होना बहुत अच्छी बात है पर आपको कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है। कट ऑफ आपने देख लिया, आपने वहाँ रैंक देख ली कि 55,000 रुपये क्लोज हो रहा है, मुझे मिल रहा है, पर ये CRL है जिससे आपको कॉलेज मिलेगा, ये आपका डाउट एक क्लियर हो गया होगा। अब मैं बताता हूँ कि आपको फ़ायदा कहाँ पे मिलेगा। इस वीडियो को बनाने का मोटिव इतना ही है कि बच्चों के डाउट क्लियर हो जाएं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब कि NITs को लेकर के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। कौन कौन से डाउट होंगे आपके? होम स्टेट कोटे का फ़ायदा क्या मिलता है, अदर स्टेट कोटे का फ़ायदा क्या मिलता है, होम स्टेट कोटे का कट ऑफ क्या होता है, अदर स्टेट कोटे का कट ऑफ क्या रहता है डिफरेंट NITs में, उसके बाद OBC का फ़ायदा कहाँ पे मिलता है बच्चों को, EWS का फ़ायदा कहाँ पे मिलता है बच्चों को, ये सारे डाउट्स जो हैं मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं NIT तिरची जनरल कैटेगरी को देखिए, 793 का मतलब होता है ये आपका ऑल इंडिया रैंक है, ये बच्चे का ऑल इंडिया रैंक है और ये लास्ट राउंड का कट ऑफ है, CSAB राउंड का कट ऑफ है। जो बच्चे ये बोलते हैं क्या CSAB में जाना सेफ रहेगा, सबका एक क्वेश्चन है CSAB में जाना सेफ रहेगा, बिल्कुल सेफ रहेगा। जब जोसा की काउंसलिंग आपकी खत्म हो जाएगी तो जोसा की काउंसलिंग खत्म होने के बाद जब 6 राउंड जोसा के हो जाएंगे तब आपका एक सीट मैट्रिक निकल के आएगा, उस सीट मैट्रिक के ऊपर हम पूरा डिस्कस करके एक वीडियो बना देंगे। उसमें NIT जैसे NIT मान लीजिए तिरची में 215 सीटें खाली हैं, दुर्गापुर में 200 सीटें खाली हैं, जलंधर में मान लीजिए 200 सीटें खाली हैं या कहीं पर मान लीजिए 150 सीटें खाली हैं, तो ये 200 में पूरा एक सीट मैट्रिक बना होगा कि OBC में इतनी सीटें खाली हैं अदर स्टेट में, होम स्टेट में, EWS में इतनी सीटें खाली हैं अदर स्टेट में और होम स्टेट में, ये पूरा सीट मैट्रिक के ऊपर मैं पूरा वीडियो बना दूंगा। फीमेल की इतनी सीटें खाली हैं, OBC की इतनी सीटें खाली हैं, फिजिकल हैंडीकैप की इतनी सीटें खाली हैं, वैसे PH की सीटें भर जाती हैं जोसा के लास्ट राउंड तक। तो जनरली आपका OBC, EWS और SC ST के बच्चों को बहुत फायदा मिलता है किसमें? CSAB राउंड में। अब आप देख लीजिए CSAB राउंड में कंप्यूटर साइंस बच्चे को मिल रहा है 793 रैंक वाले बच्चे को कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रहा है। होम स्टेट का दिखा नहीं रहा मतलब कि पहले सीट भर गई होगी, OBC का भी अदर स्टेट का नहीं दिखा रहा मतलब सीट पहले भर गई होगी किसमें? जोसा में। यहाँ अदर स्टेट OBC का भी नहीं दिखा रहा मतलब कि जोसा में सीट भर चुकी है, ये जहाँ जहाँ डैश है ये जोसा में सीट भर चुकी है और जहाँ पे नहीं है ये सीट बच्चे को मिली है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे EWS कैटेगरी का आप देख लीजिए 1812 रैंक पे अदर स्टेट कोटे को क्या मिल रहा है, CS ब्रांच। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं तिरची वगैरह तो बहुत अच्छी रैंक में भर जाता है खैर, लेकिन बाद वाले NITs जो हैं उनमें वेरिएशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप मटेरियल साइंस देखिए 20,676 रुपये बंद हो रहा है आपका किसके लिए? अदर स्टेट कोटे के लिए। मतलब किसी बच्चे का रैंक अगर 20,000 के आसपास आ रहा है तो वो उम्मीद कर सकता है कि मुझे NIT तिरची में मटेरियल साइंस मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। होम स्टेट कोटे की अगर हम बात करें तो 38,228 रुपये बंद हो रहा है और OBC कैटेगरी का हम लोग देखेंगे किसका? फीमेल का 55,839 अदर स्टेट के लिए और 44,907 आपका है स्टेट के लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे होम स्टेट का कट ऑफ कम हो गया है और अदर स्टेट का ज़्यादा है क्योंकि इसमें क्या है ये फीमेल कैंडिडेट है, ये फीमेल कैंडिडेट है, गर्ल्स के लिए सीटें रिजर्व में, सारे बच्चे जानते हैं बहुत अच्छे से। अब यहाँ देखिए आप ये आपका हो गया EWS में 25,776 तक जा रहा है आपका NIT तिरची। तो ये हो गया आपका NIT तिरची का पूरा एक मतलब ओवरव्यू हो गया एक तरीके से किसमें कि आपको इतनी रैंक अगर बच्चे की आ जाती है कुल मिला के गर्ल्स में अगर 55,000 तक रैंक आ रही है NIT तिरची मिल जाएगा और अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका लगभग 40,000 रैंक तक तिरची आपको मिल जाएगा अगर आप होम स्टेट से हैं मतलब तमिलनाडु से हैं आपने 12th किया है और अगर अदर स्टेट से हैं तो 20,000 रैंक तक और EWS को 25,000 रैंक तक, ये आपका हो गया तिरची का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा NIT है। बच्चे जो बोलते हैं कि हमको OBC का फ़ायदा नहीं मिल रहा, आप देखिए फ़ायदा OBC का कैसे मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। NIT वरंगल बहुत अच्छा NIT है, अदर स्टेट कोटे का 1628 पर CS बंद हुआ है, 3971 फीमेल के लिए होम स्टेट कोटा, 7611 आपका फीमेल के लिए अदर स्टेट कोटा OBC का और OBC का होम स्टेट कोटा देखेंगे 7611 बंद हो रहा है आपका, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है और ये आपका जनरल कैंडिडेट के लिए है। इसके बाद आपका हो गया EWS कितना 2050 पे बंद हो रहा है EWS अदर स्टेट के लिए, यहाँ पे सीट पहले भर चुकी होगी जोसा के 6th राउंड में। मटेरियल साइंस की अगर बात करें 26,282 पे बंद हो रहा है अदर स्टेट के लिए, 35,000 पे आपका बंद हो रहा है होम स्टेट के लिए। तो अब ये देखिए जो बच्चे बोलते हैं कि हमको होम स्टेट का फायदा नहीं मिलता, क्या देखिए कितना फायदा होम स्टेट का यहाँ पे मिल रहा है और कितना फायदा चाहिए आपको, देखिए आप कितना फायदा आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, सीधे 10-12,000 रैंक का फायदा आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए OBC कैटेगरी, OBC वाले बोलते हैं सर हमें फायदा क्यों नहीं मिलता, अब देखिए जनरल कैटेगरी को 26,000 रैंक पे मटेरियल साइंस मिल रहा है, उसके बाद 1628 मिल रहा है आपका क्या CSE और अदर स्टेट वाले बच्चे को 7611। अब ये 7611 जो है ये बेटा ऑल इंडिया रैंक है, क्या है ये आपकी ऑल इंडिया रैंक है, यहाँ पे कहीं भी कैटेगरी। नेक्स्ट हमारा NIT है NIT सूरतकल, तो NIT सूरतकल का देख लेते हैं, यहाँ पे अदर स्टेट कोटे की सीट जो समय भर गई थी 2908 पे बंद हो रहा है CS होम स्टेट के लिए और 5,819 पे बंद हो रहा है फीमेल के लिए और 8,984 होम स्टेट फीमेल इसके लिए OBC के लिए।
EWO की सीट आपकी जोसा में पहले फिल हो गई थी। अब ये देखिए 21,166 ये आपका मटेरियल साइंस कितना बंद हो रहा है एनआईटी सूरत कल का, और आप देखिए होमस्टेट के लिए कितना फ़ायदा मिल रहा है 38,000 रैंक, साफ साफ फ़ायदा देखने को मिल रहा है, लगभग जस्ट डबल रैंक यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की, जनरल ओबीसी में कितना अंतर आ रहा है 21,000 रैंक पे, कोई ब्रांच अगर किसी कॉलेज में बंद हो रही है 21,000 रैंक पे, और वही ब्रांच 33,000 रैंक में मिल रही है ओबीसी वाले बच्चे को, तो आप कितना फ़ायदा लेंगे, आप देखिए कितना फ़ायदा देखने को मिल रहा है। ये देख लीजिए और ये देख लीजिए, ये है ओबीसी कैटेगरी का फ़ायदा, जो कि आपको 27% रिजर्वेशन दिया जाता है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के बच्चों को, एनसीएल के बच्चों को। ये आपका फ़ायदा है किसका, ओबीसी कैटेगरी का। होम स्टेट वालों को तो फ़ायदा मिलता ही मिलता है, आप देख रहे हैं साफ साफ यहाँ पे इनको फ़ायदा मिलता है, और लास्ट वाले एनआईटी देखेंगे हम लोग तो और ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा, 5-5 लाख रैंक तक बच्चों को एनआईटी मिल जाते हैं, कभी कभी 8-8 लाख रैंक तक भी मिले हैं। एनआईटी कालीगेट में 3561 में बंद हुआ है, क्या चीज़, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और उसके बाद होम स्टेट की सीट पहले भर गई थी। ओबीसी कैटेगरी 8,000 तक गया है, होम स्टेट का 8,000 तक गया है, ईडब्ल्यूएस का 5,000 में बंद हुआ है, अदर स्टेट 37,000 पे होम स्टेट। अब देखिए होम स्टेट का फायदा देखिए आप, कितना सारा फायदा देखने को मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट का बंद हो रहा है 5,000 पे और होम स्टेट का बंद हो रहा है 37,000 तक। मतलब ये बच्चे जितने भी ऐसे हैं जो केरला से बिलोंग करते हैं, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने केरला से 12th किया है, वो बच्चों को क्या करना होता है कि भाई एनआईटी कालीगढ़ में लगभग आपकी रैंक 37,000-35,000 तक आ रही है, उन बच्चों को आराम से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगी। जो ये बोलते रहते हैं सर मैं यहाँ पे एडमिशन फ़ीस जमा कर दूँ, मैं वहाँ पे फ़ीस जमा कर दूँ, 22,000 ऑल इंडिया रैंक वाला बच्चा, बच्चे के पेरेंट्स मुझे फ़ोन करते हैं, 96.7 समथिंग परसेंटाइल था उसका, ये बोलते हैं कि सर हमको एक कॉलेज में कैटेगरी 3 में या 2 में हमको सी एस ब्रांच मिल रही है, वहाँ पर हम फ़ीस जमा कर दें, तो ये कहीं ना कहीं उनकी इन्फॉर्मेशन की कमी है, जो ये क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पुटअप किया। तो इन्फॉर्मेशन की कमी को दूर करने के लिए हम प्रयास लगातार कर रहे हैं, कंटेंट के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, जितना हो सकता है मैं आपको नॉलेज देने का, इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास कर रहा हूँ, अपडेट देने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपके काउंसलिंग के पैकेज बहुत महंगे हैं, हमने कभी काउंसलिंग के पैकेज के लिए ना तो यूट्यूब पर लिखा है कि हमसे पेड काउंसलिंग करवाइए, ना हम कभी किसी को बच्चे को बोलते हैं। हाँ बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है, जो करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, इसीलिए मैं 5 घंटे का लाइव सेशन करूँगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपको काउंसलिंग के बारे में जो भी पूछना है, जिसकी भी शिकायत है कि सर अमेंटा की फीस बहुत ज़्यादा है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ा। ये आखिरी सेशन नहीं होगा, ऐसे मैं 3-4 सेशन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो सेशन में जरूर ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, जो हमारा लाइव सेशन होगा 5 घंटे का लगातार नॉन स्टॉप, उसमें जुड़िए और अपनी काउंसलिंग को ईजी बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एनआईटी हम लोग देख लेते हैं, कौन सा, एनआईटी सूरत। अब एनआईटी सूरत भी अच्छा एनआईटी है, बहुत अच्छे रेपुटेड एनआईटी में आता है, 5,000 तक बंद हो रहा है अदर स्टेट के लिए, होम स्टेट 8,000, ओबीसी 11,000 और होम स्टेट 15,000। ईडब्ल्यूएस की सीट पहले भर गई थी, 12,000 होम स्टेट के लिए जा रहा है, किसमें आपका, ये आपका होम स्टेट हो गया, 12,000 किसके लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग देखेंगे तो 34,000 रुपये बंद हो रहा है, और ओबीसी के कैटेगरी के लिए देखेंगे हम तो देखेंगे कितना हो रहा है 46,000 रुपये। अब ओबीसी वाले बच्चे बोलते हैं सर हमको फायदा क्यों नहीं मिलता ओबीसी का, ये फायदा आपको मिल तो रहा है, लेकिन अगर आपके ओबीसी कॉलम में कहीं भी किस कोई जितने भी ऐसे ओबीसी के बच्चे हैं आपके ओबीसी कॉलम में अगर कहीं 45,000 रैंक लिखा हुआ है, तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि आपको एनआईटी सूरत मिल रहा है, नहीं, आप सीआरएल का रैंक देखिए, क्योंकि ये जो है ये सीआरएल है, ये जो लिखी हुई रैंक है, जितनी भी रैंक है सब सीआरएल हैं, जितनी भी रैंक है ये लिखी हुई है, जितनी भी रैंक है यहाँ मेंशन की गई है, ये सब सीआरएल रैंक है आपकी, सब सीआरएल हैं ये, ठीक है। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। अदर स्टेट कोटे का देखेंगे, ईडब्ल्यूएस का देखेंगे 40,000, मतलब यहाँ 34 और यहाँ 40, यहाँ देखिए कितना फ़ायदा देखने को मिल रहा है। ये वीडियो को बनाने का मोटिव था, ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा क्या होता है, ओबीसी का फ़ायदा क्या होता है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, कट ऑफ भी कहीं ना कहीं आपके काम आएगा, आ ही जाएगा ये, लेकिन ये जो एनआईटी राउरकेला, एनआईटी राउरकेला का देख लेते हैं, ये आपका 25-36 बंद हो रहा है सीएस अदर स्टेट के लिए, होम स्टेट के लिए 14,558 बंद हो रहा है फीमेल के लिए। फीमेल का रिजर्वेशन बहुत अच्छा रहता है, जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे की रैंक अगर इससे मिलती जुलती कहीं आ रही है फीमेल कैंडिडेट की, तो वो प्लीज़ अभी जल्दबाजी ना दिखाएं, जोसा की काउंसलिंग का वेट करें, क्योंकि जोसा ही मेन काउंसलिंग होती है। जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया, जेई मेंस का एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपकी रैंक आ रही है जोसा में जरूर अटैम्प्ट करें और सीसा में जरूर अटैम्प्ट करें, ये दोनों काउंसलिंग अगर आपने अटैम्प्ट नहीं की तो ये वही बात हो गई, पूरे साल आपने तैयारी की, पूरे साल आपने पूरी शिद्दत के साथ आपने प्रैक्टिस करी, और जब मैदान में उतर के कर्तव्य दिखाने का समय आया तो आप पीछे हट के पहले ही आपने हार मान ली। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते रहते हैं सर बच्चे का रैंक खराब है, कोई कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, अभी कोई भी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई, आपने कैसे गलत लगा लिया कि कोई भी कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, काउंसलिंग स्टार्ट होने दीजिए, 2-4 राउंड निपटने दीजिए, उसके बाद राउंड बाय राउंड सीटें स्लाइड होती रहती हैं, अपने बच्चे अपग्रेड होते रहते हैं, और ये जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ती रहेगी आपके बच्चे का भी नंबर आएगा और कॉलेज मिलेगा। मेरी बताई गई जानकारी के हिसाब से अगर आप काउंसलिंग करते हैं मैं गारंटी से बोल सकता हूँ 8 लाख रैंक वाले बच्चे को भी सरकारी कॉलेज मिलता है और अच्छा कॉलेज मिलता है, जहाँ से 17 लाख और 20 लाख के पैकेज आज की डेट में जा रहे हैं। मैं इस बात को प्रूव करके दिखा सकता हूँ, किसी बच्चे को कोई डाउट हो लाइव सेशन में मैं दिखाऊंगा भी, और कोशिश करूँगा लाइव सेशन में किसी ना किसी बच्चे को मैं जोड़ लूँ, ऐसे बच्चे को जो ऐसे किसी कॉलेज में पढ़ रहा है।
अब आप देखिए यहाँ पे नाइटी राउरकेला का ये हो गया और ये आपका हो गया अदर स्टेट का, कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है AWS में। अब आप देखिए यहाँ पे सेरेमिक इंजीनियरिंग का क्या है, सेरेमिक इंजीनियरिंग का आप देख लीजिए, इंजीनियरिंग नाइटी राउरकेला में देखेंगे तो 50,000 रुपये बंद हो रही है आपकी OBC के लिए अदर स्टेट कोटे का, और होम स्टेट कोटे का जा रहा है 96,000। मतलब ऐसे बच्चे हैं जिनका 90K के आसपास रैंक आ रहा है, उड़ीसा से 12th किया है, उनको आराम से सेरेमिक इंजीनियरिंग मिल जाएगी किसमें, नाइटी राउरकेला में। अब यहाँ पे आप देख लीजिए अदर स्टेट कोटे का AWS का 54,000 तक जा रहा है और होम स्टेट कोटे का कितना जा रहा है, 90,000 तक जा रहा है आपका। तो ये हो गया आपका नाइटी राउरकेला का। नेक्स्ट NIT हमारा कौन सा है, NIT जयपुर। बहुत अच्छा NIT है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ पे होम स्टेट कोटे का फ़ायदा बच्चों को नहीं मिल पाता है। होम स्टेट कोटे के ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, जैसे कोई बच्चा अगर चंडीगढ़ से 12th किया है तो चंडीगढ़ से 12th किया हुआ बच्चे को किस NIT में होम स्टेट का फ़ायदा मिलेगा। चंडीगढ़ से 12th किए गए बच्चे को होम स्टेट का फ़ायदा मिलेगा NIT दिल्ली में, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर एक एक्सेप्शनल ऐसा चंडीगढ़ स्टेट है जहाँ पे NIT नहीं है, तो उसको फ़ायदा मिलेगा NIT दिल्ली में। अगर किसी बच्चे ने गोवा से 12th किया है या दमन दीप से किया है या फिर आपका दादर नगर हवेली से किया है, तो वहाँ के बच्चों को फ़ायदा मिलेगा NIT गोवा में। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे NITs हैं जिनका फ़ायदा आपको जो है दूसरे बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ से 12th करने पे आपको दूसरे किसी NIT में फ़ायदा मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, जयपुर के अंदर क्या है कि इतने ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम भी वैसे राजस्थान के नहीं देते हैं, यूपी और मध्य प्रदेश के कंपेरिजन में इतना एग्ज़ाम नहीं देता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जितना भी बच्चा कोटा कोचिंग करने जा रहा है, कंपटीशन कहाँ पे बढ़ रहा है वो देखिए, जितना भी बच्चा कोटा कोचिंग करने जाता है और ना चाहते वो भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा वहाँ पे, फिर भी वो क्या करता है 12th कर लेता है वहीं से, अपने थोड़ी सुविधा के लिए, थोड़ा कंफर्ट जोन के लिए वहाँ से 12th कर लेता है। बस यही कारण है कि होम स्टेट की संख्या यहाँ पे बढ़ जाती है और होम स्टेट का फ़ायदा यहाँ पे नहीं मिलता है। लेकिन अगर वो बच्चा जयपुर से ना करके दिल्ली से 12th करे तो उसके फ़ायदे और ज़्यादा उसमें अटैच हो जाएंगे और उसकी रैंक का अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अब देखिए 39,554 बंद हो रहा है आपका मटेरियल साइंस NIT जयपुर में, अदर स्टेट के लिए 41 तक जा रहा है, OBC के लिए 52,000 अदर स्टेट, और होम स्टेट का आपका हो गया 50,000। देखिए अदर स्टेट का 52 तक जा रहा है, होम स्टेट का जा रहा है 50,000 तक, ये डिफरेंस आपको केवल यहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि NIT जयपुर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारा बच्चा 12th कोटा से कर लेता है। अब यहाँ पे देखिए AWS कैटेगरी का 48,000 और 65,000 होम स्टेट कोटे का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं NIT इलाहाबाद में 32,000 रैंक तक आपका गया है क्या अदर स्टेट के लिए, और होम स्टेट बंद हो गया 25,000 पर। ये भी डिफरेंस केवल NIT इलाहाबाद में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी होम स्टेट का फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाता है। ऐसे ही बहुत सारे GFTI हैं जहाँ पे आपको होम स्टेट का फ़ायदा मिलता है, सारे GFTI में होम स्टेट कोटा नहीं है, लेकिन कुछ GFTI हैं जहाँ पे होम स्टेट का फ़ायदा आपको मिलता है। तो होम स्टेट को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन बच्चों के दिमाग में है, चंडीगढ़ का मैंने अभी आपको बता दिया, बाकी किसी वीडियो में उस पर बात कर लेंगे। अब OBC का देखेंगे 46,000 तक, ये हो गया आपका 36,000 तक होम स्टेट का। यहाँ पे आपको होम स्टेट का कट ऑफ कमी ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ क्या दूसरे स्टेट के बच्चों को फ़ायदा यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा NIT हो गया NIT दिल्ली, यहाँ पे भी देखेंगे हम तो क्या हो गया, कितना आपका है 75,000 रुपये बंद हो रही है आपकी कंप्यूटर साइंस, OBC के लिए 14,000, AWS के लिए 10,814, AWS के लिए 10,814 हो गया, होम स्टेट के लिए आपका हो गया कितना 43,99। नेक्स्ट हमारा हो गया 22,118 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन उसके बाद हमारा हो गया 37,777 आपका होम स्टेट के लिए, देन आप 26,000 आपका अदर स्टेट OBC और 80,000 आपका हो गया होम स्टेट। देखिए कितना सारा फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, NIT दिल्ली होम स्टेट के लिए कितना अच्छा एग्जांपल है, आप देख लीजिए इसको एक बार, NIT दिल्ली में कितना फ़ायदा आपको देखने को मिल रहा है, आप देखिए इसको जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये NIT दिल्ली का आपको फ़ायदा देखने को मिल रहा है। देखिए क्या होम स्टेट का फ़ायदा है और क्या आपको दिख रहा है अदर स्टेट का यहाँ पे। तो ये मैंने इसीलिए बोला था कि दिल्ली से 12th करना बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट हमारा हो गया NIT पटना, NIT पटना में हम देखेंगे क्या है होम स्टेट का फ़ायदा और OBC कैटेगरी को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। यहाँ पे 15,871 बंद हो रहा है जनरल के लिए, 22,000 रुपये बंद हो रहा है आपका OBC के लिए अदर स्टेट, देन आपका AWS बंद हो रहा है 18,000 रुपये, उसके बाद मैकेनिकल आपका 43,000 रुपये बंद हो रहा है जनरल के लिए, 51 रुपये बंद हो रहा है OBC के लिए, 49 रुपये बंद हो रहा है आपका AWS के लिए। तो कि फ़ायदा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है, जो बच्चे बोलते हैं कि हमें OBC का फ़ायदा क्या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलता है। 5-year कोर्सेज के लिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, मैं बहुत जल्दी 5-year कोर्सेज पर एक वीडियो बना दूंगा अलग से, जहाँ जहाँ 5-year कोर्स चलते हैं आपके NIT जलंधर। होम स्टेट का फ़ायदा, कोई बच्चा अगर होम स्टेट का फ़ायदा लेना चाहता है पंजाब से 12th कर लो, 10,000 रुपये बंद हो रहा है CS, OBC के लिए 14,000 रुपये बंद हो रहा है, AWS के लिए कितने बंद हो रहा है 11,000 रुपये, और होम स्टेट के लिए 17,000 रुपये, OBC के लिए 12,000 रुपये कितने बंद हो रहा है 12,000 समथिंग आपका जा रहा है होम स्टेट जनरल। अब बात करते हैं लास्ट ब्रांच, मैं पहला ब्रांच और CS ब्रांच और लास्ट ब्रांच का इसलिए बात कर रहा हूँ कि एक आइडिया लग जाए कि कोई भी NIT पर्टिकुलर कोई भी NIT है ये आपको किस रेंज में मिलेगा, कितने रैंक से शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा और कहाँ भी आपका ख़त्म होगा क्लोज, ये आपका ओपन और ये आपका क्लोज, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। इसके बीच में अगर आपका रैंक वेरी कर रहा है आप NIT का वेट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि आपको मिलेगा, और आपने अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट से 12th कर रखा है तो फिर तो जलवे हैं आपका, आपको आराम से मिलेगा। देखिए आप टेक्सटाइल इंजीनियरिंग 64,000 रुपये बंद हो रहा है अदर स्टेट के लिए, और होम स्टेट का आप देख लीजिए 7,00,000 रैंक पर NIT जलंधर मिल रहा है,
7 लाख रैंक तक अगर बच्चों आपका आता है, पंजाब से आपने 12th किया, जितने ऐसे बच्चे पंजाब के हैं, सिविल वगैरह मैकेनिकल वगैरह भी 2-3 लाख तक यहाँ पे मिला है। वो मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर बच्चों का रैंक 2-3 लाख तक आ रहा है, आप मान के चलिए जितने भी ऐसे बच्चे हैं जलंधर से 12th किए हैं, पंजाब से 12th किए हैं, उनको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा कोर ब्रांच, क्योंकि ये NIT एक ऐसा NIT है जिसमें होमस्टे कोटे का फ़ायदा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब 82,000 रुपये बंद हो रहा है OBC के लिए, और ये आपका OBC होमस्टेड देखिए 3,32,000 तक जा रहा है, EWS आपका जा रहा है 76,000 तक, ठीक है। यहाँ पे EWS होमस्टेड कोटे की सीट पहले ही भर गई थी, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। नेक्स्ट हमारा NIT कौन सा हो गया, NIT गोवा। NIT गोवा में दादर नगर हवेली हो गया और गोवा और दमन दीप हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ के बच्चों को फ़ायदा मिलता है किसमें, NIT गोवा में, इसलिए यहाँ पर भी होमस्टेड का फ़ायदा उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। देखिए 12,000 रुपये बंद हो रहा है आपका कंप्यूटर साइंस, और 16,717 तक जा रहा है EWS के लिए अदर स्टेट। 54,000 रुपये बंद हो रहा है आपका सिविल, 59,000 OBC के लिए जा रहा है, और 54,000 जा रहा है आपका EWS के लिए। ये आपका होम स्टेट अदर स्टेट का सब मेंशन है, इसको आप देख सकते हैं। PDF की जरूरत पड़ेगी, PDF में मैं मेंशन कर दूंगा। NIT दुर्गापुर 9,000 रुपये बंद हो रहा है CS, 13,620 पे आपको 602 पे जा रहा है आपका कौन सा अदर स्टेट OBC, और EWS के लिए 10,222। मटेरियल साइंस मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग आपका 50,000 अदर स्टेट कोटा, 57,000 होम स्टेट कोटा, 61,000 अदर स्टेट आपका OBC हो गया, उसके बाद आपका 82,000 आपका अदर स्टेट हो गया EWS। तो यहाँ पे फ़ायदा आपको देखने को मिल रहा है, देखिए 50,000 बंद हो रहा है जनरल के लिए, और OBC भी कितने बंद हो रहा है आपका 61,000 पे, और आपका EWS देखिए कितने जा रहा है 82,000 तक, देख लीजिए आप 50,000, 82,000, 61,000, कोई ना कोई फ़ायदा कहीं ना कहीं बच्चों को मिलता है। OBC के अपने फ़ायदे हैं, EWS के अपने फ़ायदे हैं, और होम स्टेट का होना एक अलग चीज़ हो जाती है। अगर आप होम स्टेट भी हैं, OBC भी हैं, तो फिर आपको आपके अपने स्टेट में NIT में बहुत सारे फायदे मिल जाएंगे अगर आपने वहाँ से 12th किया है तो। नेक्स्ट हमारा NIT हमीरपुर है, 35,000 में बंद हो रहा है आपका लास्ट, मतलब इंजीनियरिंग फिजिक्स, 1,00,000 तक जा रहा है होम स्टेट के लिए, और OBC होम स्टेट का आपका जा रहा है लगभग 4,48,000। देखिए NIT हमीरपुर कितने रैंक में मिल रहा है, जितने भी बच्चे हिमाचल से बिलोंग करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिनकी रैंक 4,00,000-5,00,000 जा रही है, और अगर आप बिलोंग करते हैं EWS से तो आप देखिए 1,55,000 तक आपका बंद हो रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा NIT देख लीजिए, हमारा कौन सा NIT अगरतला। NIT अगरतला में हम देखेंगे तो 20,000 आपका उधर स्टेट, OBC के लिए 26,000, EWS के लिए आपका 23,000। लास्ट ब्रांच कौन सी है आपके, लास्ट ब्रांच हमारी कौन सी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, 93,000 अदर स्टेट के लिए, 2,59,000 होम स्टेट के लिए, OBC आपका 1,28,000 होम स्टेट जा रहा है, उसके बाद आपका EWS जा रहा है 1,55,000। नेक्स्ट हमारा कौन सा NIT है, NIT मेघालय। NIT मेघालय में हम लोग देख लेंगे 24,000 बंद हो रहा है CS, नेक्स्ट हमारा 24,000 CS बंद हो रहा है, देन आपका अदर स्टेट के लिए OBC के लिए बंद हो रहा है 27,000। फ़ायदा देखिए आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है, EWS की सीटें आपकी जोसा में फेल हो गई थी, 62,000 बंद हो रहा है मैकेनिकल, 63,000 OBC के लिए, 69,000 आपका हो गया EWS के लिए। नेक्स्ट हमारा NIT है NIT नागालैंड। NIT नागालैंड में आप देखेंगे तो 38,000 CS बंद हो रही है, मैकेनिकल 82 बंद हो रही है, 82,000 जनरल कैटेगरी, OBC के लिए 93,000 पे, और EWS के लिए 1,00,000, EWS के लिए 1,30,000 74 पे बंद, 1,30,000 पे बंद हो रहा है EWS के लिए आपका कौन सा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब देख लीजिए यहाँ पे NIT श्रीनगर, जो बच्चे ये बोलते हैं कि कितने रैंक तक हमको NIT मिलेगा अगर आप दूसरे स्टेट से हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये एक्सेप्शनल है, यहाँ पे 3 कोटे हैं, 3 लोगों को फ़ायदा मिलता है, जैसे गोवा मिलता है आपको, जम्मू कश्मीर के बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, लद्दाख के बच्चों को फ़ायदा मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है, इसका भी एक कोटा होता है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है, और कभी कभी यह है कि कट ऑफ बहुत ऊपर चली जाती है, 1,50,000 रैंक पे बच्चों को यहाँ पे आपका 1,25,000 को तो मिला है अदर स्टेट पे, और जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं उनको मिला है 1,60,000 तक, OBC को 1,42,000 अदर स्टेट वाले को मिला है, और EWS को मिला है 1,53,000 तक, जम्मू कश्मीर के बच्चों को, अदर स्टेट के बच्चों को मिला है 1,60,000 तक। देखिए आप यहाँ पे नेक्स्ट हमारा NIT मणिपुर। NIT मणिपुर में देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस 32,000 बंद हो रही है, मैकेनिकल 74,000 बंद हो रही है, OBC के लिए 90,000, EWS के 92,000। सारे फायदे आपको देखने को मिल गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि सारे कट ऑफ सारे स्टेट देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि OBC का फ़ायदा कैसे मिलता है। मणिपुर का देख लीजिए 35,000, 41,000, 46,000, उसके बाद मैकेनिकल का लगभग 90,000, 95,000, 1,43,000, अदर स्टेट कोटे का है 1,50,000 तक आता है, मिल जाएगा मणिपुर आपको आराम से। अरुणाचल प्रदेश आपका हो गया, अरुणाचल प्रदेश का देख लीजिए 35,000, उसके बाद 41,000, उसके बाद 46,000 EWS के लिए, और आपका 90,000 आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल, 95,000 OBC के लिए, 1,43,887 आपका हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लोज हो रहा है EWS के लिए अदर स्टेट कोटा। मतलब कहने का ये 1,50,000 रैंक तक अगर आपका आ रहा है, आपको आराम से NIT मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या जलंधर वगैरह आराम से आपको मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी बच्चे ये बोलते रहते हैं कि सर हमको फ़ायदा कहाँ पे मिलेगा OBC का, उनको मैंने आज बता दिया EWS का फ़ायदा, OBC का फ़ायदा, होम स्टेट, अदर स्टेट। उम्मीद करता हूँ कि NIT को लेकर के, NIT के कट ऑफ को लेकर के, जोसा काउंसलिंग में जो आपको NITs मिलते हैं इनको लेकर के आपकी सारे डाउट्स खत्म हो चुके होंगे।
लाइव सेशन करेंगे 5 घंटे का, जुड़ जाइए उसमें, सदा मात्रा में उसमें जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट इसी वीडियो मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।